हेलो प्लाटून विश्राम मंच पर उपस्थित पुलिस पार्टी पर वापस पत्थर की चोट लगने जैसा असर डालते हैं करके रखा जाता है। जब वाहन मजमे के बीच फंस जाता है तो केबिन के भीतर लगा स्विच ऑन कर दिया जाता है, जिससे ये ग्रेनेड प्रचुर मात्रा में अश्रुगैस देना शुरू कर देता है और वाहन को आसानी से मजमे के बीच से निकाला जा सकता है। ईस्टर्न लेग ग्रेनेड यह तीन अलग भागों से मिलकर बना टिफिन के आकार का ग्रेनेड है। जब इसे मजमे पर थ्रो करते हैं तो इसका एक भाग तेज चमक और धमाके के साथ इस्तेमाल के दौरान इसे चेहरे पर पहना जाता है ताकि खुद को गैस के असर से बचाया जा सके। हेलमेट श्रीमान, ये फाइबर से बना हेलमेट है जो कार्रवाई के दौरान जवान को सिर की चोट से बचाता है। इसके सामने लगा पारदर्शी ग्लास मजमे की हरकत को देखकर कार्रवाई करने में भी मदद करता है। पॉलीकार्बोनेट सील्ड, श्रीमान ये पॉलीकार्बोनेट से बनी 3 फीट लंबी 2 फीट चौड़ी एक पारदर्शी सील्ड है। कार्रवाई के दौरान ये जवान को शारीरिक बचाव के साथ साथ मजमे की हरकत को देखते हुए कार्रवाई करने में भी मदद करती है। श्रीमान इसी के साथ आरएफ में इस्तेमाल होने वाले मुनिशन और इक्विपमेंट से परिचय समाप्त हुआ। जय हिंद श्रीमान। टू डीप फॉर्मेशन। अब जबकि मजमा कम मात्रा में हो, ज्यादा फैला ना हो, उस हालात में 2 टीम रिजर्व में रखी जाती है। इसमें भी आवश्यकता अनुसार डेप में रखी गई टीमों को कार्यवाही में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट गंगा निधन प्लेटोन, गंगा निधन के लिए सुरक्षा घेरा बनाओ। प्लाटून सर्कुलर फॉर्मेशन या सुरक्षा घेरा। अब तक की सभी पांचों फॉर्मेशन चेतावनी के लिए आंदोलन बंद। पार्टियां घिरी हुई तथा प्लाटून की रक्षात्मक मुद्रा फ्लैग पार्टी को चेतावनी देने के लिए आदेशित किया गया। सुनो सुनो सुनो, आपका मजमा खिलाफ कानून सामरो हुल्लड़खोरो तमारी मंडली गैरकायदेसर छे। तमने चेतावनी आपवामां आव छे के तमो आई थी जल विखराई जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बड़ प्रयोग करवामां आवशे। विखराई जाओ। भाषण प्रदर्शन के तीसरे भाग में हम आपको पियर्सिंग ड्रिल, टर्टल ड्रिल तथा राइट कंट्रोल डेमोंस्ट्रेशन दिखाने जा रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था का पूर्वानुमान कर स्थानीय पुलिस द्वारा आरएफ के प्लाटून की मांग कर दी गई है। यहां प्लाटून द्वारा बसिंग की कार्रवाई की जा रही है।
सभी पार्टियों की गाड़ियां पहले से ही मुकर्रर है। प्लाटून द्वारा बसिंग की कार्रवाई की गई तथा सायरन बजाकर गंतव्य की ओर कूच कर रही है। सभा में तुक स्वार्थ परस्ती असहनशीलता तथा शीघ्र अति शीघ्र परिणाम की चाह। किसान यूनियन, किसान यूनियन, हमारी मांग है, हमारी मांग है, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भ्रष्टाचार बंद करो। आधारभूत विधान को ध्यान में रखते हुए पियर्सिंग ड्रिल के द्वारा इकट्ठी मजमा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ताकत को अपेक्षाकृत कम कर दिया जाता है। यहाँ राइट कंट्रोल एलिमेंट के द्वारा अपेक्षित से हटा हुआ पर प्लाटून कमांडर के द्वारा सभी एलिमेंट को तैनात करने की कार्रवाई। इस बीच अब बिगड़ती स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु राइट कंट्रोल एलिमेंट को तैयार कर दिया गया तथा राइट कंट्रोल एलिमेंट संबंधित कमांडर के देखरेख में कार्रवाई करती हुई राइट कंट्रोल एलिमेंट के आगे बढ़ने पर काबू करने के लिए प्लाटून कमांडर के द्वारा
खाली कर दो। सरकारी भवनों में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर त्वरित गति से पहुंचता हुआ घायल व्यक्ति को रिजर्व पार्टी द्वारा प्राथमिक उपचार देने की कार्रवाई तथा फोटोग्राफर के द्वारा उसके हालात को कैमरे में कैद किया गया। फायर फाइटिंग पार्टी द्वारा आग बुझाने की कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है अनेक कर्मियों को अग्निशमन की आधारभूत सिखलाई दी जाती है ताकि न्यूनतम समय में आग पर काबू पाकर जान माल की क्षति को कम कर किया जा सके। एम्बुलेंस में रखकर नजदीकी अस्पताल में भेजा जा रहा है। इस संपूर्ण घटनाक्रम में प्रदर्शनकारी मौके से भाग निकले तथा भागते समय कुछ सामान छोड़ गए जिसे सर्चिंग पार्टी ने तलाशी के दौरान इकट्ठा किया। अब परिस्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जा चुका है तथा स्थिति सामान्य हो चुकी है। प्लाटून कमांडर ने अपने प्लाटून को रियोर की कार्रवाई के लिए बताया। वो आग जल रही उसको साइड में दौड़ तक रोल रोलिंग। सर पहले आपका नाम और डेजिग्नेशन बता। मैं बीके बेहरा हूँ, उड़ीसा पुलिस में डीजी ट्रेनिंग। सर ये बताएं कि आज जो प्रोग्राम रखा गया था रेफरेंस कोर्स की बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था और क्या क्या इवेंट? फिलहाल हम सब देश के वेरियस स्टेट से आए हुए हैं। एक वर्चुअल एक्सट्रैक्शन कोर्स जो माउंट अबू में था, 5 दिन का कोर्स था, उसका फाइनल फेज हुआ। उस सिलसिले में यहाँ हम आए। यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन था राइट ड्रिल कैसे की जाती है। ये कोर्स हमारा जो था वो था पब्लिक ऑर्डर पे, पब्लिक ऑर्डर और यूज़ ऑफ नॉन लीथल वेपन्स जैसे कहते हैं। तो ये फाइनल फेज में इनका एक डेमोन्स्ट्रेशन था 100 RAF बटालियन का। बहुत ही उत्तम अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन रहा और कोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर डीजी तक वेरियस रैंक्स में अफसर आए हुए और मेरे ख्याल से सब इससे बेनिफिट किए होंगे। सबसे अहम बात की अगर गंगा कंट्रोल करना है तो सबसे बड़ी प्रिपरेशन क्या होती है? अरे इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ बेसिकली। जो यंग ऑफिसर जो उन्हें तो अब 3 फेज नॉर्मली किया जाता है, कहते हैं ट्रेडिशनली टीयर गैस का यूज़ होता है, लाठी का यूज़ होता है एंड फाइनली फायरिंग का यूज़ होता है। ये कोर्स जो हमारा था नॉन लीथल वेपन, मतलब फायरिंग से थोड़ा लग के उसके जहाँ कोई कैजुअल्टी ना हो उस हिसाब से क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो ये हर सिचुएशन पर निर्भर करता है किस किस्म का प्रोग्राम रही। जवानों को कितने मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है ऐसे वाक्यों को लेकर, कितने मेंटली प्रिपेयर किया जाता है? वही लीडरशिप के ऊपर निर्भर करता है। और मोरल हाई रखना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो मेरे ख्याल से जो है लीडर्स जैसे हम यहाँ तो जरूर हो रहा है और होना चाहिए, मोटिवेशन और मोरल फोर्स का हाई रखना चाहिए जिसके लिए उत्तम लीडरशिप नेतृत्व जैसे कहते हैं उसकी ज़रूरत है। सर ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन जो होते हैं वो वास्तव में जब ऐसी घटनाएँ होती है तब कितने काम करते हैं? एक बेसिक फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन में एग्जैक्ट यही फॉर्मेट का अपडाल हो, वो कभी नहीं होता है। थोड़ी बहुत फॉर्मेशन होता है लेकिन जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका आइडिया होना चाहिए पहले क्या करना चाहिए। अब देखिए सपोज पहले जो इन्होंने दिखाया डेमोन्स्ट्रेशन का फर्स्ट फेज में जो था तब गोली मारना शुरू करते तो वो इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फोर्स, लेकिन एंड में जो परिस्थिति हुआ तब गोली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ा। तो उस हिसाब से किस एक्सटेंट ऑफ स्थिति हुआ तब गोली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ा। तो उस हिसाब से किस एक्सटेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन में किस हिसाब के रिएक्शन होने चाहिए उसका आइडिया हो जाता है। ऐसे 92 में RAF की स्थापना हुई तब से लेकर अब तक
कितना आधुनिक कार्य हुआ है और अभी तक कौन कौन से वेपन यूज किए जा रहे हैं? लेकिन अब ये मैं ये नहीं ये गुजरात में एक्चुअली आपका आईकार्ड आंसर या पीआर आईकार्ड इसका जवाब मैं दे देता हूँ। भाई जय बुजुर्ग सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं अजीत कुलश्रेष्ठ हूँ, जो अभी दो महीने पहले सीआरपी से एडीजी रिटायर हुआ हूँ, मगर मुझे भाग्य था कि इस आरएएफ का मैं आईजी था और पिछले साल भी इस समय मैं यही था। और जो आरएएफ खड़ा हुआ है, आपका सवाल था कि कितना आधुनिकीकरण हुआ है, कि आप सब लोगों ने अभी एक डेमो दिखाया है। आमतौर पर पुलिस वालों के हाथ में बंदूक होता है, लाठी होता है, और जो ये सारा कोर्स हो रहा है जिसमें भारत के सभी राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल और केंद्रीय पुलिस बल के अधिकारी आए हुए हैं, बहुत वरिष्ठ अधिकारी से लेकर और जो जिला स्तर के उच्च अधिकारी हैं, वो सब इस कोर्स में आए हैं, जिसका आयोजन भारत सरकार के बीपीआरडी की तरफ से किया गया था। और ये कोर्स चलाया गया था माउंट आबू, जो रैपिड एक्शन सीआरपी का एकेडमी है, और वहाँ से उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट है उसके लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। और जैसा कि डीजी साहब ने बताया कि इसमें पुलिस बलों की क्या तैयारी होती है, हर एक जो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है वो राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, हर राज्य की जो पुलिस है वो अपनी क्षमता से अपने प्रशिक्षण से करती है। अगर केंद्र सरकार के पास भी पुलिस को राज्यों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी पुलिस है, सीआरपी है, बॉर्डर के लिए बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, और भी विशेष दल है, और सीआरपी में भीड़ नियंत्रण करने के लिए या कम्युनल रॉइड्स करने के लिए या रॉइड लाइक सिचुएशन के लिए एक विशेष पुलिस बल शुरू किया गया था। तो दुनिया भर में जितने भी नए तरीके हैं और जो कुछ भी अच्छा है वो हम सब ने वहाँ से लिया, और अपने भारतीयकरण के साथ साथ उसमें हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है, आज जहाँ तक मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी रॉयड पुलिस कंट्रोल पुलिस अगर है तो भारत में है। तो ये आरएएफ में लगातार सारे कमांडेंट साहब सभी लोग एक तो लगातार प्रशिक्षण करते हैं, जो जवान आरएएफ में आते हैं वो छठे हुए जवान होते हैं, थोड़ा मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं, और स्थिति को जब्ज करने के लिए सहनशक्ति होती है, शारीरिक क्षमता होती है, और वेपन होते हैं जिसमें कि जहाँ तक हो सके आखिरी दम तक किसी का जान न चली जाए, मगर सरकारी संपत्ति और भीड़ में लोगों की जान न जाए इसलिए तैयार रहते हैं। अभी डीजी साहब ने बताया नॉन लीथल वेपन्स का एक डेमो दिया है, और तरह तरह के और नई चीज़ें कैसे भीड़ को बिना नुकसान पहुँचाए, धमका कर, डरा कर, पूरा हल्ला दिखा कर उनको थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाने को बोलेंगे, उनका भी गुस्सा शांत हो जाता है, और प्रदर्शन का तरीका होता है एक साइकोलॉजिकल है कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो मीडिया वाले आप भाई लोग उनकी बात तो पहले ही पहुँचा देते हैं, तो उनका भी पर्पस सॉल्व हो जाता है और जनता का, जन माल का और सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति का नुकसान नहीं होता। तो ये कोर्स था, सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव बांटे हैं, उन लोगों के राज्य में अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति है, किसी का अनुभव है, तो ये बड़ा अच्छा कोर्स था जिसका आज समापन है, जिसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया गया। सर जैसे आपने बताया कि केंद्र सरकार की बहुत सारी पुलिस एजेंसियाँ हैं, राज्य सरकार की भी होती है जी। लेकिन अगर कोई बाढ़ भी आए या कोई दंगा भी हो तो आरएएफ की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो आपको लगता है शारीरिक क्षमताओं के साथ मानसिक क्षमता लोगों को लोग घायल ना हो पाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाए, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? देखिए मैंने आपसे जैसे बताया कि लॉ एंड ऑर्डर और ये सारी चीज़ें बेसिकली राज्य सरकार का है, लेकिन केंद्र सरकार तो राज्य सरकारों का एक मिला जुला रूप है, तो हमारा जो केंद्रीय बल है वो राज्य को हम दे देते हैं, वो विशेषज्ञ के तौर पर उनके साथ काम करते हैं, वो जिम्मेदारी सबकी मिली जुली होती है, ये समाज सेवा है, ये समाज के प्रति जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी ज़्यादा या कम का सवाल नहीं है, वो फिर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। और ऐसे जो कोर्स होते हैं जिसमें सब मिलते हैं, उसमें एक जो छुपा हुआ ये भी होता है कि एक दूसरे से और करीब आते हैं, तो जिम्मेदारी तो सबकी होती है। और इसके लिए जो आपने कहा कि आरएएफ का एक गुण ये भी था, जब तक कि ये एनडीआरएफ नहीं बनी थी, हर एक आरएएफ बटालियन की ये क्षमता है, जैसे आग से बुझा देना, भूकंप आ जाना या किसी तरह की नेचुरल कैलमिटी में, अभी तक एनडीआरएफ के बनने से पहले आरएएफ ही जाती थी, और इसका नाम है रैपिड एक्शन फोर्स, द्रुतकार बल, घटना हुई या घटना की अंदेशा भी हुआ बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो दंगों में एक खास विशेषता ये है कि अगर आपने जल्दी से रोक लिया तो नहीं फैलते हैं,
और दूसरे क्राइम से दंगे का ये करैक्टर अलग है, और अगर आपने देर कर दी तो ये दंगे फैलते हैं, जिसका नुकसान हुआ बदले निकलते हैं और ये बीमारी की तरह फैलता है। तो इसलिए इसका रोल जो है वो बहुत सार्थक है, और जब से आरएफ खड़ी हुई है शायद आप देख रहे होंगे कि दंगों की म्याद कम हो गई है। होते तो हैं लेकिन वो तुरंत अगर है, और राज्य पुलिस में भी बहुत तरक्की की गई है, और लगातार राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस में तालमेल बना हुआ है, प्रशिक्षण जिसका एक ये भी उदाहरण जहाँ बैठे हैं, और हर स्तर पर भी प्रशिक्षण होता है। आरएफ में स्टेट पुलिस से भेजे गए सेलेक्टेड कर्मियों का आरएफ पैटर्न पर दंगा रोकने के लिए प्रशिक्षण भी किया जाता है।